जनरली रेंटेंस में इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, रेंट इंडेफिनिट, रेंट कंटिन्यूअस। तो बेटर है कि इसको और इसको एक साथ पढ़ेगा, ठीक है। जैसे देखो, वह रोज स्कूल जाता है, वह स्कूल जा रहा है, दोनों में अंतर। मैंने देखा है हमेशा मिस्टेक होती है, मैं टीवी देख रहा हूं तो आई एम वॉचिंग टीवी, अगर मैं टीवी देखता हूं तो आई वॉच टीवी। तो ये अंतर समझ नहीं पाते हैं बच्चे, और मैं टीवी देखता हूं इसको भी आई एम वॉचिंग टीवी लिख देते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड कंटिन्यूअस टेंस स्पेशली। ओके, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, ऑल दीज थ्री सेकेंड्स साइमल्टेनियसली। ओके, सो दैट वी कैन कंपेयर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री सेंटेंस। देयर इज वन मोर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट वी लर्न इट लेटर, नॉट नाउ। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए, मैं रोज स्कूल जाता हूँ या वह रोज स्कूल जाता है, जा रहा है जो जाता है, जब भी ऐसा रहता है वह रोज स्कूल जाता है, एम इज आज में रहता है सीधा, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल डेली। ओके, वह रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल मींस डेली तो बाद में लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ओके, ही गोज टू स्कूल, राइट, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, दिस इज द डिफरेंस। यहां पे आप ही इज गोइंग टू स्कूल डेली लिखेंगे, इट विल बी रॉन्ग। सो वह स्कूल जा रहा है, he is going to school, इसमें डेली नहीं हो सकता ना कि वह he is going to school daily, ऐसा नहीं हो सकता, जा रहा है, अपन ऐसा कभी नहीं बोलते कि वह रोज स्कूल जा रहा है, अपन बोलते हैं कि वह स्कूल जा रहा है, जब सामने दिखता रहता है, कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है, सामने अपन को कोई चीज दिख रही है, कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू आपको दिख रहा है, तो इसमें आई एन जी लगता है, ये जो आई एन जी फॉर्म है ये इससे समझ में आता है कि कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है, ही इज गोइंग टू स्कूल। इन दोनों सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखो और इनको समझो बार बार, ठीक है, मिक्स नहीं होना चाहिए आपको, ये स्कूल इस सेंटेंस के बदले ये सेंटेंस नहीं लिखना है, वह रोज स्कूल जाता है, ही इज बिल्कुल ही लग गया, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल डेली, कंटिन्यूअस मिस का होगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। ओके, और जब परफेक्ट बनाना है ये होगा ही हैज गॉन द स्कूल, ही हैज गॉन द स्कूल। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस जो आपको तीनों फॉर्म बनाना है। ओके, जैसे मैं मूवी देखता हूं या मैं फिल्म देखता हूं, मैं टीवी देखता हूं, तो मैं मूवी देखता हूं। ओके, आई वॉच मूवी, मैं मूवी देखता हूं, देखिए आई वॉच मूवी। ओके, आई वॉच मूवी, मैं मूवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग मूवी। एंड मान लो मैंने कोई पर्टिकुलर मूवी देख ली है, तो मैंने मूवी देख ली है, आई हैव
वॉच कोई पर्टिकुलर मूवी है, आई हैव वॉच द मूवी, ओके आई हैव वॉच द मूवी, तीनों सेंटेंस है ओके। मैं रोज टेलीविजन देखता हूं, मैं रोज टेलीविजन देखता हूं, आई वॉच टेलीविजन डेली, आई वॉच टेलीविजन डेली ओके। और आई एम वॉचिंग टेलीविजन, अगर अभी देख रहा हूं तो आई एम वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। मान लो मैं रोज खेलता हूं, वह खेलता है, वे खेलते हैं ओके। तो वे स्कूल जाते हैं, वे खेलने जाते हैं, ठीक है। वे रोज सुबह खेलते हैं, वे रोज सुबह खेलते हैं, दे प्ले डेली, इन द मॉर्निंग, दे प्ले डेली इन द मॉर्निंग। अगर यह है कि वे खेल रहे हैं तो क्या हुआ, दे आर प्लेइंग, ये दोनों सेंटेंस हैं, वे खेल रहे हैं अगर काम चल रहा है तो दे आर प्लेइंग, और वे खेलते हैं दे प्ले, दे प्ले डेली, वे रोज खेलते हैं इन द मॉर्निंग, और उन्होंने खेल चुके हैं, वे खेल चुके हैं, उन्होंने खेल लिया है, वे खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड, दे हैव प्लेड, ओके, दे हैव प्लेड, राइट। नाउ लुक हियर, ही गोज, गो के साथ Yes, we have added yes, G-O-E, goes, ठीक है। जबकि इन में आई वॉच, आई वॉचेस नहीं है, दे प्लेज नहीं है, दे प्ले, इसमें एस ई एस लगा है जबकि इन दोनों में एस ई एस नहीं लगा है। सिमिलरली यू कैन सी यहां पे हैज लगा है, ही हैज, और इन दोनों में हैव लगा है, ठीक है। ये अपन को समझना है कि किसमें एस ई एस लगता है, किसमें हैज और किसमें हैव लगता है, ओके। नाउ वी आर लर्निंग सम सेंटेंस विद सम रूल्स टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली वेयर वी यूज एस ई एस एंड वेयर विल नॉट यूज एस ई एस, ओके, ठीक है। लेट्स लर्न इट, वेयर टू यूज एस ई एस एंड वेयर नॉट टू यूज एस ई एस, ओके। प्रैक्टिस करो, ये बहुत मिस्टेक होती है, एस ई एस वाली मिस्टेक भी बहुत होती है, ठीक है। अपन यहां से सेंटेंस लिखते हैं जिसमें एस ई एस लगेगा उसके सामने लिखेंगे जिसमें एस ई एस नहीं लगेगा, ओके। लुक हियर, जैसे वह जाता है, ही गोस, ओके, ही गोस, इसमें एस ई एस लगा है। अगर मैं जाता हूं, आई गो, इसमें एस ई एस नहीं लगता। वी हैव यूज एस ई एस हियर, वी हैव नॉट यूज एस ई एस इन दिस सेंटेंस। सो वेयर डू वी यूज एस ई एस एंड वेयर डू वी यूज, वेयर डोंट वी यूज एस ई एस, ओके। मैंने पहले सेशन में बता दिया है एस ई एस कहां यूज करना है, कहां नहीं करना है। अगर आप समझ गए हैं बहुत अच्छे से तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं समझे हैं तो फिर से इसको समझिए और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। लुक हियर, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, इसमें एस ई एस यूज होता है, एस ई एस is used, okay? Third person क्या होता है, अपन देखते हैं first person, first person, second person and third person,
जो बोलता है, द पर्सन हु स्पीक्स, बोलने वाला, ठीक है। जब भी अपन बात करते हैं तो जो बोलता है से आई एम स्पीकिंग, तो जो मैं बोल रहा हूँ आई एम फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, ओके। जो सुनता है लिसनिंग, द पर्सन हु इज लिसनिंग इज सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं कोई दूर का, दैट इज थर्ड पर्सन। से आई मतलब मैं, तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन आई, ओके। आई एम गोइंग, आई एम स्पीकिंग, ओके। आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम टीचिंग, मीन्स आई मैंने मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आई क्या हो गया, बोलने वाला, ओके, फर्स्ट पर्सन। ऐसी बहुत हो गए यहाँ पे, तो वी आर स्पीकिंग, वी आर सिटिंग, वी आर प्लेइंग, वी, जब वी हम खुद बोल रहे हैं तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, ओके। फर्स्ट पर्सन में एक भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन में बहुत सारे भी हो सकते हैं। ऐसे अगर सामने कोई बैठा है से यू, तो मैं क्या बोलूँगा, यू आर ए गुड बॉय, है यू तुम्हारे लिए यूज हो रहा है क्योंकि तुम सुन रहे हो, ओके। सो यू क्या हो गया, सुनने वाला है, यू सेकेंड पर्सन, ओके। नाउ थर्ड पर्सन, जैसे कोई तीसरा है, मन बोलते हैं राम इज प्लेइंग, तो राम कौन है, राम यहाँ पे भी नहीं है, राम वहां पे भी नहीं है, राम उधर है, राम थर्ड पर्सन हो गया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट राम, राम इज प्लेइंग, ओके, राम इज प्लेइंग। अपन बोल सकते हैं सीता इज प्लेइंग, मोहन इज प्लेइंग, ओके, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन इज सिटिंग देयर, तो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, मोहन वहां पे है, मोहन थर्ड पर्सन, मोहन क्या हो गया, थर्ड पर्सन। तो अपन देखेंगे थर्ड पर्सन, ठीक है। अब थर्ड पर्सन जो होता है, मोहन या राम या वो लड़का है, ही माने वो लड़का, ही इज प्लेइंग, ही भी थर्ड पर्सन है, और अगर लड़की है शी भी थर्ड पर्सन, ओके। सो ये जो थर्ड पर्सन है ये सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन को समझ गए, अब सिंगुलर नंबर देखो, राम भी अकेला है, राम अगर लड़का ही इज प्लेइंग तो ही भी लड़का अकेला है, शी इज गोइंग वह जा रही है, वह अकेले जा रही है, शी इज गोइंग, तो ये जो है ये सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन नहीं है और अकेले है, तो ये थर्ड पर्सन जो सिंगुलर नंबर है, इनमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब राम ही शी, इनके साथ एस एस लगेगा, देखो ही गोस, ये ही गोस, ठीक है। आई यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन, इसलिए आई में नहीं लगेगा। अगर ये बहुत सारे हैं जैसे दे, या फिर बहुत सारे हैं राम एंड मोहन, ओके, राम एंड मोहन आर प्लेइंग, या राम एंड मोहन खेलते हैं, राम एंड मोहन प्ले, राम एंड मोहन प्ले, दो हैं दे, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, तो दे प्ले, ओके, यहाँ पे दे प्ले, क्यों, बिकॉज दे इज थर्ड पर्सन बट सिंगुलर नंबर नहीं है, दे बहुत सारे लोग हैं, ये सिंगुलर नंबर है, ये बहुत सारे हैं, दे बहुत सारे हैं, राम एंड मोहन, अगर राम और मोहन खेलते हैं तो राम एंड मोहन प्ले, राम एंड मोहन प्ले, अकेला राम है तो राम प्लेज, राम प्लेज, ओके, राम प्लेज, ओके। जैसे मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, माय फ्रेंड्स, या एक दोस्त है, माय फ्रेंड एक दोस्त है, तो ये गोज, लुक हियर, अगर मेरा दोस्त जाता है वहां पे है तो मैं क्या करूंगा, माय फ्रेंड, मतलब माय फ्रेंड माने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, सेकंड पर्सन भी है, वहां पे है माय फ्रेंड, माय फ्रेंड गोज, थर्ड पर्सन है और अकेला है, तो माय फ्रेंड गोज, पर अगर वहां पे बहुत सारे हैं, जैसे माय फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त हैं, माय फ्रेंड्स गो, ठीक है, माय फ्रेंड्स माने वहां पे हैं हम लोग, ठीक है, थर्ड पर्सन है, लेकिन वो फ्रेंड बहुत सारे हैं, सिमिलर नहीं है, बहुत सारे हैं तो प्लूरल नंबर है, इसलिए माय फ्रेंड्स गो, ओके। हियर वी विल राइट माय फ्रेंड्स गो, मींस माय फ्रेंड है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर,
माई फ्रेंड्स अगर बहुत सारे दोस्त हैं, थर्ड पर्सन ऑफ प्लूरल नंबर हो गया। ओके, सो जो थर्ड पर्सन ऑफ सिंगुलर नंबर है ये वाला क्वेश्चन, ये अपन समझ गए, ये वाला क्वेश्चन है तो ये एसईएस लगेगा। ओके, और एक चीज और आपको देखना है, इसी में हैव और हैव इसी में लगता है, इसी में हैज लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता, बाकी इसमें हैज लगेगा, इसमें हैज बाकी सब में हैव, और इसी में क्या लगता है हैज बाकी सब में हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज लगता है बाकी में हैव। जैसे उसने खाना खा लिया है, वह लड़का है ही, ओके तो खाना खा लिया है, ही हैज ईटन फूड या फिर ही हैव ईटन फूड, हैज ही है वो यहां पे है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ही हैज ईटन फूड, ओके ही हैज ईटन फूड। कोई दूसरा है, यू हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, वी हैव ईटन फूड, राम एंड मोहन हैव ईटन फूड, दे हैव ईटन फूड, इन सब में है, बट राम हैज ईटन फूड, ही हैज ईटन फूड, शी हैज ईटन फूड, ओके दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैज एंड हैव, ही हैज ईटन फूड, बट इफ दे बहुत सारे हैं तो दे हैव ईटन फूड, ओके मींस इफ यू वॉच दिस सेक्शन वेरी केयरफुली यू विल बी वेरी अंडरस्टैंड वेयर टू यूज हैज वेयर टू यूज हैव, ओके एंड द डिफरेंशिएट हाउ विल यू डिफरेंस इफ यू रीड ऑल दिस वन एंड इफ यू लुक दिस सेशन वेरी केयरफुली यू विल इजली अंडरस्टैंड वेयर टू यूज एस एंड वेयर नॉट टू यूज एस एस, ओके सो जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है उसमें एस ई एस यूज होता है, ठीक है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ओके और नहीं है तो एस ई एस यूज नहीं होगा, ये आप ध्यान से देखेंगे और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है, ये बहुत छोटा सेशन मैंने दिया है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आपको हैज हैव एस ई एस यूज समझते हैं, ठीक है। अब इसको देख के कुछ क्वेश्चन बनाना है, ये देखना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है कि नहीं, बस ये आपको पहले जानना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ओके नाउ आई एम गिविंग सेंटेंस एंड यू हैव टू आंसर दिस सेंटेंस, ओके मोहन खाना खाता है, ओके मोहन खाना खाता है, ऑल दिस सेंटेंस व्हाट आई एम गिविंग यू यू हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, ओके ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में आपको सेकेंड सेंटेंस लुक हियर, मोहन खाना खा रहा है, ओके मोहन खाना खा रहा है, आई एम ट्राइंग टू टीच यू what's the difference between indefinite and continuous tense, okay that's why I'm giving the same sentence in two form, this one indefinite and this one continuous, mohan khana kha raha hai, khana kha raha hai, okay second पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, पर उबलता है, ओके पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, और दिस इज थर्ड सेंटेंस नाउ फोर्थ, अगर अपन बोले कि लो देखो वहां पे देखो क्या हो रहा है, पानी उबल रहा है, देखो देखो ठीक है देखो क्या पानी उबल रहा है, पानी
गूगल रहा, ठीक है। इसी में वन टू एंड नेक्स्ट बीच में लिख रहे हैं बिकॉज आई हैव टॉट यू थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। व्हाट विल बी परफेक्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ड, व्हाट टेल मी, इसका क्या होगा परफेक्ट फॉर्म? देखो पानी उबल रहा है एंड यू राइट द परफेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। पानी उबल गया है या पानी उबल चुका है, ठीक है। अगर दूध उबल गया है दूध उबल चुका है, पानी उबल गया है पानी उबल गया है, पानी उबल चुका है, ओके। पानी उबल गया है, ओके। वन टू थ्री फॉर्म्स ऑफ द सेम सेंटेंस। दिस टाइम आई एम गिविंग यू same sentence in different form, next sentence, okay, next sentence, I study, study माने पढ़ना, ठीक है, पढ़ना, ठीक है। जैसे मैं सुबह पढ़ता हूँ, मैं सुबह पढ़ता हूँ, इस नेक्स्ट सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, एंड सिंगल सेंटेंस इन परफेक्ट फॉर्म। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ चुका हूं, तो मैं पढ़ चुका हूं क्या बोलेंगे, क्या पढ़ चुका हूं? बेटर अगर मिलते जुलते सेंटेंस बनाए, मैं पढ़ चुका हूं, इसको अगर अपन ऐसा लिखें कि मैं यह पाठ पढ़ चुका हूं, ओके, मैं यह पाठ मैंने यह लेसन बोल सकते हैं, यह लेसन पढ़ चुका हूं, मैं यह लेसन यह पार्ट कुछ भी लिखूं, यह पार्ट ये मैं यह लेसन पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका, ओके। मीनिंग वोकैबुलरी इजी, खाता मीन्स ईट, ईट एट ईटन, लुक हियर, eat first form, add and third form is eaten, okay. Ubalna means boil, 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 its second form is boiled and third form is boiled, okay. Boil, 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 boil. पढ़ता हूं इट्स स्टडी, यू कैन यूज हियर स्टडी एस टी यू डी वाई एंड हियर स्टडी एस टी यू डी आई ई डी स्टडी एंड स्टडी थर्ड फॉर्म आल्सो विल बी स्टडी, ओके। मैं सुबह पढ़ता हूं इन द मॉर्निंग स्टडी, यहां पे लिखा हुआ है। सो दीज एट सेंटेंस यू ट्राई टू कन्वर्ट इन इंग्लिश इन प्रॉपर मैनर, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन ऑल थिंग्स वेरी क्लियरली, बहुत धीरे धीरे मैंने एक्सप्लेन किया है और बहुत इजी सेंटेंस है, ठीक है। तो एम इज आर लगाना और हैव लगाना, एस ई एस लगाना, यू शुड लर्न द रूल वेरी प्रॉपरली वेरी क्लियरली, ओके। इट मे टेक टू टाइम्स थ्री टाइम्स टू स्टडी दिस वीडियो, डज नॉट मैटर, बट डू इट प्रॉपरली एंड देन गिव आंसर। I expect correct answer from you, okay? Do it now.